Okay guys, so today I'm gonna try every street food possible in Pakistan. Dahi bhalle, chana chaats, jo bhi kar sakte hain aap. भाई मेरी ये खा के बस होगी। तो बर्तन शर्तन धोने की जगह है ये देखें, माशाल्लाह पेट निकला है। अस्सलाम वालेकुम, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका, ठीक है, खैरियत से खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग विद अम्मी आ चुके हैं एक नए मज़ेदार ब्लैक व्लॉग, ब्लैक व्लॉग में व्लॉग के साथ। ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं तो ब्लैक हो रहा है सब कुछ। तो कैसी हैं कुकिंग विद अम्मी? ये काला जोड़ा आज मैंने क्यों पहना भाई? क्योंकि जुमा है, अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने। तो जुमा पढ़ लें उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है? जरा चलते हैं, जरा जुमा पढ़ो, तुम भी पढ़ लिया करो बेशर्मो। अच्छा गाइस सॉरी, लास्ट क्लिप में मेरी शर्ट के बटन खुले हुए थे, मुझे पता नहीं था, जानबूझ के मैंने नहीं किया। प्लीज़ मुझे कुछ ना कहना, गलती से मेरी शर्ट के बटन खुले रह गए। गर्मी बात तो सही है, मजाक कर रहा हूँ, कह लो जो कहना है, बंद फिर भी नहीं हो। लो जी भाई अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने। A few moments later. Okay भाई, जुमा पढ़ के वापस आ चुके हैं हम। कुकिंग विद अम्मी यहाँ पे बैठ के अपने वज़ाइफ पढ़ी है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैडम, क्या बात है, क्या पेरी लग रही है इनके शिंगे बीन की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका, ठीक ठाक हैं? जुमा मुबारक, अल्लाह पाक इस जुमे के सदके हम सब पे अपना रहम और फजल और करम करे और माफ़ करे, हमें तंदरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे, परेशानियों से बचाए और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो और आप सबका क्या हाल चाल है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, मास्क पहनना बड़ा मुश्किल है। आज बताएं आज हमने क्या करना है? क्या करना है? मैं तो सोचा आज एक चैलेंज करते हैं। हूँ कड़ा चैलेंज रह गया इन कुकड़ों के अलावा? जैसे ही फोन पकड़ेगा ना, जैसे कोको शुरू कर देता था ये भी शुरू कर दे। सुबह मैं सोचा आज एक चैलेंज करते हैं, आज हम चलते हैं बाहर और आज हम सिर्फ खाते हैं स्ट्रीट फूड, गोल गप्पे, अंडे वाले बर्गर। मारो ना इतनी गर्मी, गंद खा के तो रहने दे, ये तो मज़े। हालांकि सेहत इतनी नहीं हो रहा तो खाला ने किसने, मैं खाऊंगा ना, और किसने खाने, आपने भी नहीं खाने। तू बीमार हो जाएगा, तू पढ़ा रहेगा कि कल 5 मिनट गया धूप में तो सारा दिन पढ़ा रहा है ना भाई। A few moments later. तो भाई अम्मा जान तो मान नहीं रही 24 आवर्स सिर्फ स्ट्रीट फूड खाने के चक्करों का, बट फिर भी मैं ये चैलेंज करूंगा, मैं अम्मी को दूर रखूंगा, अम्मी को नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऑफ कोर्स एक एज है, जो अच्छी चीज़ होगी वो खा लेंगे, बट मैं तो करूंगा भाई। अम्मी जी मैंने करना है इसे चैलेंज। पेट ही खराब करना है तूने। नहीं गर्मी है तो क्या हुआ, पेट खराब हो गया फिर जी, लोग कहते हैं चैलेंज करो, मजा है हमें देखना है, कोई नहीं चैलेंज, अपनी आवाम के लिए एक पेट नहीं खराब कर सकता मैं। आवाम ने तनु रिश्ता देना क्या पता सब्सक्राइब करते नहीं, लाइक करते नहीं, कितनी बुरी बात है। आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया यार, मतलब क्या हो गया आप लोगों को, सब्सक्राइब तो करो ना। 1 hour later. ओके भाई, अम्मा को हमने कर लिया कन्विंस के चाह के चलते हैं स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, तो चलते हैं, माइक शाइक लगा ली हमने, तो लेट्स गो आउटसाइड एंड लेट्स ट्राई। मैं तो मना कर रही हूँ, कहता है नहीं, मैंने कहा ऐसे पेट खराब हो जाएगा गर्मी में, वो कुछ नहीं होता, चलो चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो भाई मेरी कोई गारंटी नहीं। अच्छा भाई मज़े की बात यह है कि हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पिछली गली में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड की ऑप्शंस हैं। ये सारी घर लाग खा लेना, घर लाग खा लेना, उधर कैसे खाएंगे? उधर ही खा लेंगे, कहीं बैठ के देखते हैं, अगर ना हुआ तो फिर घर लेंगे, देखते हैं। तो ये जो सोच ले, अभी भी वक्त है सोच ले, एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया भाई। ये जो गली है ना हमारी, इसके अंदर आपको सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन सब कुछ इस जगह पे ना मिल जाती हैं, तो अभी चलते हैं जाके ट्राई करते हैं। शॉप नंबर 1 यहाँ पे गोलगप्पे सब चीज़ें पड़ी हुई, क्या कहते हैं इधर जाएं? ले चला जा, खाली है, है? चला जा भाई। अच्छा जी हम यहाँ पे आ गए, आप बताएं मुझे।
इधर तो सब कुछ मिलता है। मैं वैसे रोज़ गुजरती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा इसमें क्या क्या है। अच्छा भाई आप बताएं सबसे अच्छी क्या चीज़ है आपकी? इधर बर्गर है, समोसा चाट, दही भल्ला चना चाट, फ्रूट चाट, लोरी चाट। तो शुरू करते हैं गोलगप्पे से, शुरू करते हैं गोलगप्पे ले आए साहब। बनाना मेरे बेटे का पेट ना खराब हो जाए। अच्छा आई लव द फैक्ट, मम्मी कैसे घबरा रही। मैंने खुद खाने हो ना कोई मसला नहीं, फिर मुझे पता है कि तू ऐसा ही धूम हो जाता है एक मिनट में। आप नहीं खाएंगे? आप नहीं खाएंगे? देखूंगी, पहले देखूंगी फिर है। तू ही खाएगा पुत्र। जरा सा हम इधर देखते हैं बन कैसे रही है। कब से शॉप आपके यहाँ पे? हमारे तकरीबन 30 साल हो गए हैं। 30 साल लोरी चाट वाली। ये लोरी चाट तो ये जो एंड पे ना, ये जो उन सही मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चखे नहीं कि कैसे होते हैं किसी भी जगह से, पता नहीं। तो आज फर्स्ट टाइम आपका। अच्छा खैर गाइस ये देखें जी, हमारी गोलगप्पों की प्लेट आ चुकी है। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। ये टूट जाएगा वैसे? इसके अंदर पानी डाल के मेरे ख्याल खाते हैं। पता है मुझे। बिस्मिल्लाह। सोच लिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़े के ये पूरी प्लेट ख़त्म करते हैं। गोलगप्पे की प्लेट ख़त्म, चैलेंज वन कम्प्लीटेड। वॉलेट लाए? नहीं उसके बगैर ही आ गए। क्या पता, मैं तो कोई नहीं, नहीं बर्तन शर्तन धोने की ऑप्शन होगी यहाँ पे कोई? अच्छा भाई अब इसके अलावा बताएं क्या चीज़ ट्राई कर सकते हैं? दही भले चना चाट जो भी कर सकते हैं आप। दही भले ले सेलेक्ट करें, चना चाट मंगा लो, तुम्हें वो पसंद भी है। चना चाट ठीक है, अभी अम्मी की पसंद पे आ रहा है चना चाट। वही मैंने कहा दही भले और ये तो एक जैसे ही है। चना चाट तो आप खाएंगे ना? पता नहीं सजे भी पहले भी कभी खाए हैं गोलगप्पे? सच बताऊँ तो मेरा ज़िंदगी में बहुत सालों बाद पहली बार मैंने गोलगप्पे खाए हैं। वही ना, तूने पूरी प्लेट ही खा ली, मैं तो हैरान हूँ। इतना खट्टा पानी ले, इमली की चटनी ये घर कभी नहीं खाता रोज़ों में, जब बनाती हूँ या कुछ है। पता है चौधरी साहब को पसंद है लेकिन इसे नहीं पसंद, ये नहीं खाता। और इमली का पानी के साथ खा ली, बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। खैर एनीवे अभी हमने अब क्या मंगवाए, तो अब हमने चना चाट मंगवाई अम्मी की फरमाइश पे, तो अब अम्मी भी खाएंगी साथ चना चाट। पेट ख़राब हो जाएगा चनों से। किन डिशेज हेयर इनका अब ये खा, इससे तो ख़राब ज़रूर होगा चने। ये वैसे आपने मंगवाई है, इसने आधी आपने खानी? मैंने नहीं मंगाई, तूने खानी तो तूने है ना सारा, इसलिए ट्राई तूने करना है। चलो भाई थोड़ी सी ट्राई करते हैं। ये है यहाँ पर चना चाट हमने जो मंगवाई है अभी, ये थोड़ी सी ट्राई करते हैं। पूरी तो नहीं मैं खा पाऊँगा, अगर पूरी ये खा ली तो फिर बाद में क्या खाऊँगा। गुड थिंग इज डिस्पोजेबल ग्लास में नहीं दिए, आई मीन डिस्पोजेबल स्पून के साथ दिए। मैं जान की थोड़ी हेल्प के बाद ये हालात है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं तो दो में फुल हो गया, बाकी सब कौन ट्राई करेगा। 24 आवर चैलेंज देखो, 24 आवर पूरा कोई भी नहीं करता, सिर्फ वही आधा एक घंटा एक जो करते हैं वही करते हैं। 24 आवर करें तो 24 आवर लॉन्ग वीडियो हो फिर। खैर ये हमारा ख़त्म हो गया, ये खाने के बाद 5 मिनट का मैं रेस्ट लूँगा, अजान भी ख़त्म हो जाए तब तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर करते हैं। दो चीज़ें तो हमारी ख़त्म हो गई, आप इसके बाद क्या ट्राई करना भाई बताएं आप? अच्छा गाइस अब मैंने सोचा है कि अब मैं इकट्ठी 4-5 डिशेज इकट्ठी मंगवा रहा हूँ। हाँ वही ना, मैंने कहा फिर इकट्ठी रखना पता चले और फिर हम इकट्ठी खाएंगे। अभी मैंने मंगवाई है समोसा चाट आ चुकी है, गोलगप्पे हम खा चुके हैं। और ऑर्डर क्या क्या दिया आपने? बर्गर और क्रीम चाट और मिल्क शेक। ये सारा खाएंगे कैसे हम लोग? तूने खाना ओके गाइस, सो टुडे आई एम गोना ट्राई एवरी स्ट्रीट फूड पॉसिबल इन पाकिस्तान। जब से मैं पाकिस्तान में, मैंने हमेशा बोला था मैंने स्ट्रीट फूड ट्राई करना है। सो आज हमने ऑर्डर किया सबसे पहले समोसा चाट, अंडे वाला बर्गर, फ्रूट चाट और मशहूर और वन एंड ओनली गोलगप्पे। अब हम ट्राई करने वाले हैं सब। ओह मैं भूल गया बताना, मैंगो मिल्क शेक ऑल्सो। इससे ज़्यादा स्ट्रीट फूड हो नहीं सकता, तो दिस इज़ द रियल
स्ट्रीट फूड जब आती है, स्ट्रीट फूड की बात आती है, दिस इज और लाइक ओरिजिनल रियल स्ट्रीट स्ट्रीट फूड, तो अब हम इनको ट्राई करने वाले हैं एंड लेट्स सी पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड कैसा होता है। ये भी खा लेगा ये श्योर है ना, वो पेट खराब हो जाए बाद ऐसे देखो, मैंने एक बार कमिट कर दिया तो फिर तो मैं सलमान खान का फैन हूँ, किसी की भी नहीं सुनता। अच्छा सो लेट्स स्टार्ट, किससे स्टार्ट करें? लेट्स स्टार्ट विद गोलगप्पे। दिस इज अंडे वाला बर्गर। अंदर जाके महंगा, अंदर जाके टू मच हो गया। दिस इज अंडे वाला बर्गर, इट इज सो गुड। नाउ समोसा चाट, एवरीथिंग टेस्ट सो गुड। सो अब मैं आराम से सब चीज़ें खाता हूँ, आप लोग मुझे देखें। रेंच की सबसे मशहूर चीज़ें हैं ये, अच्छी दुकान है। Time lapse of me eating everything here possible. Actually मैं अभी से फुल हो गया हूँ, ये मैं सारा खाऊंगा कैसे? ये तो खानी पड़ेगी फिर, जब चैलेंज लिया है तो खाना तो पड़ेगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो खाना तो पड़ेगा भाई। ये चीजें पैक नहीं करा सकते? नहीं खाओ, खानी है, ख़त्म करके उठना है भाई। कमिटमेंट की है तो खा के उठोगे। अब ये बात नहीं है कि अम्मा साथ है, आवाम की तरफ से अम्मा। इट्स ओके गाइस, आई एम गोना गिव माय बेस्ट, आई एम गोना ईट इट एनीवेज। भाई मेरी ये खा के बस होगी, बाकी सब कुछ कैसे करना। वन डाउन, ऑलमोस्ट फोर टू गो, एंड कीप इन माइंड कि इससे पहले मैं एक खा चुका हूँ, ये नहीं काउंट होंगे क्योंकि ये मैं पहले खा चुका हूँ, इसको हम साइड पे रखते हैं। तो ये तो आप माने ना, ये हम पहले खा चुके हैं। ये तो है, खा तो वो पहले खा ली है ना एक। अच्छी बात बताऊँ, मुझे ये अच्छी नहीं लगी, तो ये तो बस ओके ओके, तो ये मुझे नहीं पता मैं खाऊँगा भी या नहीं। This is not even tasty, bro. लेकिन ये टेस्टी नहीं है तो ये साइड पे, ठीक है, रिजेक्टेड। चीज टेस्टी नहीं लगेगी वो खा कैसे सकते हो? वही तो खाने का मजा है ना फिर। अच्छा लास्ट आसपास सब देख रहे हैं, लड़का पागल हो गया, इतनी ज्यादा चीजें खा रहे। एक प्लेट मंगाते हैं, खा के निकल जाते हैं, वो कहेंगे पागल है इतना कुछ लेके बैठा। और मेरी माँ को देखो, एक चीज़ में मेरी मदद नहीं की अभी तक। मुझे क्या ज़रूरत है, जब घर से तूने कहा था तुम खाओगे तो फिर खाओ। बाकी यूट्यूबर की तरफ नहीं है कि आधा खा के आधा छोड़ के इधर इधर फेंक के। अम्मा तो तुम्हारे साथ है तो हर काम सही सही सीधा सीधा दिखाना है, साफ साफ जो कर रहे हो जो खा रहे हो वही दिखाएंगे, नहीं खाओगे तो वो भी दिखाएंगे। तो ये सारी खा ली, ये खा ली, ये पहले मैं खा चुका था, ये मुझे पसंद नहीं आई, बट ओवरऑल सब चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा था। वी आर डन विद दिस चैलेंज, एंडिंग विद द मिल्क शेक एंड ख़त्म। आज के बाद मैं कोई चैलेंज नहीं करने वाला, मुझे आज के बाद ना लिखना कि खाने का चैलेंज करो भाई, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं भाई, मेरी बस होगी। सही है ना, जब करोगे तो फिर भुगतोगे तो सही ना। वैसे ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल तूने इतना कभी इकट्ठे बैठ के ऐसे खाया। भाई इस वक्त मेरा पेट ऐसे है जैसे फटने वाला है। हम डन, घर चलो भाई, बस हो गया, ख़त्म चैलेंज। कोई 24 आवर चैलेंज नहीं है, बस जितना खा लिया ये मैंने दो दिन का खा लिया। ज़ाहिर पता चला अभी तो और कह रहा था क्या, नहीं नहीं सारा फिर के खाएंगे। मैंने कहा एक जगह बैठ के, गर्मी में मेरे से नहीं फिरने होता, एक जगह बैठ के खाओ। इस वीडियो पे 300 लाइक्स तो बनती हैं गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अच्छा गाइस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमने कैमरा बंद किया तो कुकिंग विद अम्मी की हेल्प से हमने ये भी ख़त्म कर लिया, ये भी ख़त्म हो गया और ये रह गया, ये ख़त्म करते हैं। कुकिंग विद अम्मी ने कहा खाना ज़ाया नहीं जाना चाहिए, तो उनका दिल नहीं भी था, उन्होंने फिर भी ट्राई कर लिया।
कुकिंग विद अम्मी का ओपिनियन लेते हैं कि उनने जो चीज़ें खाई हैं गोलगप्पे और क्रीम चाट, उनको कैसी लगी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा गोलगप्पा खाया, मैंने आज तक नहीं खाया। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से इससे था, पता नहीं गंदे गंदे लगते थे, लेकिन टेस्ट अच्छा है, सारी ज़िंदगी खाया नहीं वैसे तो। मैंने फ्रूट चाट खाई है, वो मैं पहले भी इधर की खाती हूँ, अच्छी है। तो दूसरी चीज़ें तो अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें और मशहूर हैं इस एरिए की। तो ये भी जो है ना, उस दुकान पर तो इतना रश होता है, वीडियो ही नहीं बना सकते, इसलिए हम इधर बैठे हैं कि इधर वीडियो आराम से बन जाती है ना। ये जो समोसा चाट है ये घर के लिए पैक किया, पर ये हमारे लिए नहीं, ये खाला के लिए। हाँ, वो मैंने कहा एक प्लेट घर भी पैक करवा लो ना। चलो भाई, अब टाइम जाता है बिल का, देखते हैं बिल कितना बना। खा तो हमने लिया, पैसे हैं। तू खाया, तू ही पैसे देगा, नहीं तो बर्तन धोएगा। नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ कोई बर्तन चर्तन धोने की जगह है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई बिल कितना हो गया? 970। कितना? 970। बचत हो गई वैसे। तो बर्तन चर्तन धोने की जगह है? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर अगर बिल शिल ना हो, पैसे शैसे ना हो, बर्तन चर्तन धो ले, आपकी मर्जी है। कह रहा है आपकी मर्जी। अच्छा कितना? 970। बाकी आप रख लो, ठीक है। चले चले जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा चैलेंज यही सारा, हमने स्ट्रीट फूड खाने का। बाहर से शॉप दिखा दें, ये शॉप थी, ठीक है, और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। भाई हम उधर से निकले हैं, आउट ऑफ नोवेयर अम्मी का प्लान बन गया बैग लेने का। हमारा चैलेंज बीच में ही चल रहा था, ख़त्म हुआ है, तो अम्मी इधर आके बैग किस लिए लिए? वो बेडशीट है जो पैक करनी है। पैसे दे रहे हैं, पेन का वीज़ा आपको देते हैं, आप आके लगा देना, ज़्यादा सही नहीं? हाँ भाई, जो हमने इतनी बेडशीटें ली हैं ना, वो बेडशीटों के लिए हमें बैग चाहिए। चलते फिरते कोई पता नहीं होता किस वक्त कौन सी नई चीज़ पर ध्यान दिल आ जाना। ये देखें माशाल्लाह, पेट निकला है। स्ट्रीट फूड खा के चलो, अब कल तक खाना भी तो कुछ नहीं है मेरा ख्याल तो, कल तक ये तू परसों तक भी नहीं खाना। ये जितना खा लिया ये कल क्या परसों तक भी कुछ ना खाऊं मैं, ये मुझे पता है। अब हम वापस जा रहे हैं घर। देखो 100% जिस तरह हमने बोला है सारी चीज़ें उसी तरह खाई हैं और चैलेंज पूरा किया। कह रहा है ये असल स्ट्रीट फूड, असल तो मैंने वैसे कहा असल स्ट्रीट फूड तो ये है, बाबा जी ने जो रेडी लगाई हुई है। फिर घर भी ना पहुंचता तू, घर जाने से पहले फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब ये तो एक दो दिन में पता चलेगा तबीयत ख़राब होती है या नहीं, बट देखो मैंने 2 महीने रहने के बाद खाया, तो 2 महीने में मेरा स्टमक इतना एडजस्ट हो चुका है, मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं हुआ होगा। 5 hours later भाई अभी तकरीबन रात का 10 बज रहे हैं, ठीक है, हुआ क्या? आते साथ उधर लेटा बेड पे तो सो गया, पेट जो इतना भरा था ओवरलोड हो गया था। बार बार के इतना इसने जिंदगी में नहीं कभी खाया, आके सो गया। मगरब का टाइम निकल रहा था, फिर मैंने जगाया, मैंने कहा उठ जाओ मगरब निकल रही है, तब उठे। तो इसलिए जो है ना खा पी के अभी तक ठीक है पेट, वैसे अभी तक तो वैसे ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह करे ना कुछ हो। सुबह तक पेट भर गया पर अभी तक भरा हुआ है, खाया कुछ नहीं उसके बाद इसने घर आकर, पानी भी नहीं पिया अभी तक, पानी वाली बोतल भी फ्रीज़र में रखी हुई है। तो ये है कि भाई अल्लाह करे अब ठीक रहे, लेकिन इनकी चीज़ें तो अच्छी हैं, अब क्या हमारे पे। तो भाई ये था मेरा स्ट्रीट फूड खाने वाला पूरा 24 आवर्स ही हो गए ना, उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं। हाँ नहीं, तो 24 आवर्स ही हो गए, ठीक है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, कल 7 वो ही खाया पूरे दिन में, तो उसके बाद सुबह भी कुछ नहीं खाया, दोपहर में भी नहीं, शाम में वो ही खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया, अब सुबह तक कल शाम तक कुछ नहीं खाएगा। कल शाम तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ठीक है, बाकी बाकी चलते हो गाइस, ये ब्लॉग हम करते हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अभी पानी गर्म कर रही हूँ नमक डाल के। अम्मी के दांत का दर्द अभी तक है। जब आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कुकिंग विद अम्मी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियो को शेयर करें और धड़ा धड़ा मैसेज करें। मैं भूल गया एक चीज़, सॉरी बिफोर वी गो गाइस, तो ये आपको याद है कि 2 दिन पहले हम एक बेडशीट पे जो जीती थी विनर उनको पार्सल करके आए थे, तो उनकी कुछ वीडियोज आ गई, उनको बेडशीट मिल गई है, तो मैंने कहा वो भी हाँ उसने मुझे वीडियो भेजी, उनको मिल गई है, तो मैं
वो व्लॉग में देख लेना आप। अच्छा मैंने नहीं देखा। मैं क्लिप्स ऐड करता हूँ उनकी जो उन्होंने बना के भेजी हैं, तो बाकी उसके साथ क्लिप्स देखें पहले आप, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पार्सल रिसीव हो गया है आज मुझे और माशाल्लाह बहुत अच्छी है। शुक्रिया बहुत बहुत कश्मीर बेडशीट वालों का, आंटी का, जमाल का और जमील भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मटीरियल है, बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बेडशीट है और बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चलो भाई क्लिप्स भी देख लें, उनको पसंद भी आ गई, अच्छी भी लग रही है, उनपे बेड उनके बेड पे डली हुई। अच्छा बेड पे डाल के भेजी हैं। चलो भाई एक हमने वादा किया था घर तक अगले के पहुंच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब सुरखरू हो गए कि कहीं झूठे साबित नहीं हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देने वालों ने दिया, हमने भी भेज दिया, पहुँच भी गया। उसने कहा था ना एक दिन लगेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा और बाकी गिफ्ट पे और भी आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो 20,000। क्या पता किस किस को कहा हम कहें ये चीज है, जल्दी जिसने सब्सक्राइब किया होगा तो आएगा ना। हो सकता है आईफोन 16 आ रहे वो भी गिफ्ट पे करें। हाँ अल्लाह पाक हमें इतना दे हम वो भी कर सकें। तो भाई जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर कराओ, तो बाकी हम आपको मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जेबी और कुकी में दमी को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।